हिमाचल में परिवहन सेवाएं जवाबदेही न होने पर सीपीएम के बैनर तले रामपुर बस अड्डे पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि बसों में ओवरलोडिंग बंद करने के बाद सरकार की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इससे छात्र, किसान और आम ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। इस दौरान लोगों ने परिवहन निगम में चल रही रिक्तियों को जल्द भरने की मांग उठाई। सीपीएम के बैनर तले लोगों ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के रामपुर बस अड्डे पर धरना प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप था कि हिमाचल की सड़कों पर बसों में ओवरलोडिंग पर पाबंदी के बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र, किसान और आम ग्रामीणों को आवाजाही मुश्किल हो गई है। लोगों ने कहा कि सरकार को विकल्प के तौर पर बसों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में यातायात का प्रमुख जरिया हिमाचल पथ परिवहन की बस सेवा है। ऐसे में बसों की कमी के चलते स्कूल कॉलेज के छात्र समय पर शिक्षण संस्थान नहीं पहुंच रहे हैं। इसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। पता ही होगा, जैसे गांव से लड़कियां कॉलेज पढ़ने आती है, पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लड़कियों को बड़ी मुश्किल से कॉलेज भेजते हैं, और दूसरी तरफ जब आ भी जाती है तो एक तो कॉलेज में क्लासेज जल्दी शुरू हो जाती है, तो बस नहीं मिलती है टाइम से, जिस कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो क्लासेज भी मिस हो जाती है। एक तरफ तो सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ दोहरी नीति अपनाती है कि जो बसें हैं उसमें ओवरलोडिंग के कारण कई बार हमारे को बैठाया नहीं जाता और टाइम से बसेज नहीं मिलती है, क्लास मिस हो जाती है, जिस तरह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है, या तो नई बसें लगाई जाए, नए रूट लगाए जाए, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट और जो स्कूल जाने वाला विद्यार्थी है उनको एक अलग से बस सुविधा दिए जाए। मैं भारसी पंचायत वार्ड खनोटा की रहने वाली हूँ, और वहाँ पे हमारे जैसे गाय होता है, दूध होता है, वो टाइम से बाजार नहीं पहुँच पाता, खराब हो रहा है, और बच्चों को जाने में दिक्कत आ रही है स्कूल जाने में, और क्या बोलते हैं, जैसे हमारे को कहीं जाना पड़ता है बाजार, तो पैदल जाना पड़ता है, समस्या बहुत है हमारे वहाँ पे। उन्होंने बताया कि रामपुर क्षेत्र के कुल 108 रूट होने के बावजूद रामपुर में ही करीब 150 के करीब ड्राइवर, कंडक्टर व अन्य स्टाफ की कमी चल रही है। सिटी चैनल से बात करते हुए सीपीएम लीडर बिहारी सेवगी ने बताया कि हिमाचल परिवहन को सरकार की ओर से जो अनुदान मिलता था वो कम कर दिया गया है, जिससे बसों की संख्या कम हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे परिवहन सेवाएं खासकर गांव के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्र स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। हम रामपुर में कर रहे हैं इस बात के लिए कि जो हिमाचल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो सर्विसेज है खास करके गांव के लिए, वो ठीक नहीं है। समय पर बसें नहीं मिलती और बसें की कमी है। दूसरा, जो गांव से जो छात्र भी पढ़ने कॉलेज रामपुर आते हैं उनके लिए भी समय पर बसें नहीं मिलती है, इस बात को लेके। दूसरा, जो सरकार का इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए इसमें ट्रांसपोर्ट में, वो कम है। जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार कदम उठा रही है, इसको निजीकरण की तरफ कर रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि समय पर बसें मुहैया कराई जाए ग्रामीण क्षेत्र के लिए। दूसरा है कि जो स्टाफ की कमी चल रही है, ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक, क्लर्क की जो कमियां हैं भर्ती करने के लिए, वो तुरंत भर्ती करिए, हमारा सरकार से डिमांड, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। सिटी चैनल के लिए रामपुर से बिशेश्वर नेगी की रिपोर्ट।